हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए D1 मैथ्स स्टार्ट करने लगा हूं। सो D1 मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका डी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। सो हमारे पास 630 वो नंबर है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए मैथ को मिलकर आसान बनाएं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन और आंसर इंडेक्स नोटेशन में लेकर आना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर है 630। इस नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले 630 को यहां पर लिखेंगे और देखेंगे कि ये 630 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर 5, फिर 7 और 11, 13, सो ऑन। इसके बाद 17 भी है। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में वो ना आता हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सो यहां पर 630 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम देखेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि यहां पर जो एंडिंग नंबर है वो क्या है। यहां पर एंडिंग नंबर जो है 630 का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। तो यहां पर 0 प्राइम नंबर्स में शामिल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स 0 को हम एज प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। सो यहां पर हम 2 से डिवाइड इसको कर सकते हैं, यानी 630 इज डिविजिबल बाय 2। यहां पर लिखेंगे 2, 2 3 जा 6। अब यहां पर नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास है वो 3 है। 3 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 में से 1 शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 0। 2 1 जा 2 लिखेंगे और यहां पर बन जाएगा 10 और 2 5 जा 10। सो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डिजिट ऑफ 315 है वो ऑड नंबर है, तो यहां पर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय एन इवन नंबर। सो नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 वंस आर 3। नेक्स्ट 2 नंबर्स को जब हमने इकट्ठा डिवाइड करना है तो हमें 0 लगाना पड़ता है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें 3 से तो 3 वंस आर 3, रिमाइंडर 0 और यहां से नीचे 1 उतारेंगे और एक टाइम में हम एक नंबर उतार सकते हैं, और अगर हम 2 नंबर उतारें तो एक हमें 0 लगाना पड़ता है आंसर में। तो यहां पर आ जाएगा 15, 3 5 जा 15। सो यहां पर 105 हमारे पास आएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर ये इवन था, ये ऑड है और ये भी ऑड है। सो देखेंगे स्टूडेंट्स के क्या ये 3 से डिविजिबल है। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन अगर हम 10 में से 1 शिफ्ट करें टू द नेक्स्ट नंबर तो हमारे पास यहां पर 9 बचेगा। 9 इज डिविजिबल बाय 3 और नेक्स्ट नंबर विच हैज बिकम 15 नाउ, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम यहां पर 3 से करेंगे, 3 3 इज 9 एंड 3 5 इज 15।
अब यहां पर जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है वो ऑड है, इसका मतलब है कि ये भी 5 से डिविजिबल हो सकता है। सो 5 7s are 35 एंड नेक्स्ट इज 7 1s are 7। सो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, 7 इज अ प्राइम नंबर, सो यहां पर 7 से ही डायरेक्ट होगा। सो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसको 630 इज इक्वल टू इन तमाम फैक्टर्स को तरतीब से हम लिख देंगे, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम जो पेयर्स हैं या एक से ज्यादा सेम नंबर हैं उनको हम पावर की शक्ल में लिख देंगे, यानी ये 3 2 है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे और बाकी नंबर एज इट इज लिख देंगे। सो अगर 5 2 होते तो हम 5 5 की पावर 2 लिखते, 7 2 times होता इसको भी हम 7 square लिखते। सो स्टूडेंट्स ये इंडेक्स नोटेशन में है। दिस इज हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये तरीका है कि हम इसको इंडेक्स नोटेशन में आंसर को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।